हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरलपुर। अगर आप भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपके वीडियो के ऑडियो में कोई भी नॉइज़ आ जाता है, जैसे आपने खरफट का आवाज़ आ जाता है या फिर कोई भी साउंड आ जाता है जो सही नहीं आता, तो बहुत से कमेंट आते हैं कि इसको कैसे हटाए। तो उसका सीधा सिंपल सा आंसर है, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर देते हो उसके बाद आप नॉइज नहीं हटा सकते। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च करा, बहुत से एप्लीकेशन ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करता। आप रिकॉर्ड एक बार कर दिया, उसमें कोई भी आवाज़ आएगी तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते मोबाइल से। मैंने बहुत सारे ट्राई करके देख लिया, अगर ट्राई होता तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर है फ़ोन का माइक नहीं खरीदता, वो सिंपली ऐसे ही रिकॉर्ड कर देता। तो आज वीडियो में बताने वाला आपको कुछ टिप्स और तरीका बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो साउंड है वो HD क्वालिटी में आएगा, अच्छे क्वालिटी में आएगा। और ये बताऊँ कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो चलिए जान लेते हैं कैसे रिकॉर्डिंग करें। तो सबसे पहले आप जब भी रिकॉर्डिंग करते हो, अगर आपके पास माइक नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? अगर माइक नहीं है तो आप ऐसे फ़ोन को सीधा सामने नहीं रखना, क्योंकि देखो सामने रखोगे तो इसमें आपकी जो बोलोगे तो उसमें से हवा निकलेगी, तो हवा की साउंड आ जाएगी आपके फ़ोन में। तो कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अगर आपने चेहरा नहीं दिखा रहे हो तो ऐसे एक्स्ट्रा फ़ोन ले लोगे, उसमें यहाँ से रिकॉर्डिंग आता है इसमें फ़ोन पे, उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दोगे, यहाँ से बोलोगे तो जो भी बोलोगे इसमें चला जाएगा, आप फिर इसको डाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, अगर आपके पास माइक है, अगर आपके पास कोई माइक नहीं है, अगर देखिए लीड से वीडियो बनाते हो तो अगर आपके घर में एक फ़ोन का लीड होगा, इस फ़ोन के लीड में से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने इस पर 2-4 वीडियो बनाए, मेरे पहले के 5-6 वीडियो इसी माइक से मैंने बना रखा, आप देख सकते कैसा हालत है ये। और उस पर मेरे एक वीडियो पे 55,000 व्यू, एक पे 45,000 से ज़्यादा है। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, अच्छी वीडियो बनती है। अगर फिर देखो अगर घर में कोई ना कोई लीड तो होगा, इससे आप बना सकते हो, आप देख सकते हो। तो इससे ट्राई कर लेना, अगर आपकी वीडियो फिर भी अच्छी नहीं बनती तो काम कर सकते हो। एक मैंने माइक खरीदा था, ये है देखिए, 220 रुपये का माइक खरीदा था, इसको मैंने यूज़ करा, यूज़ करके मैंने वीडियो बनाई। देखो वीडियो मैंने कई सारी बनाई, लेकिन शुरू में तो ये काम करा, लेकिन फिर ये कुछ दिनों के बाद इसमें भी आवाज़ आने लग गया। तो देखिए आई ये जो माइक है, ये मेरे फ्रेंड भी यूज़ करता है, वो अभी तक यूज़ करता है, उसके अभी 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उसके में कोई भी आवाज़ नहीं आता, लेकिन ये मेरे वाले में आवाज़ आता है। तो आप रिस्क ले सकते हो, 250-250 का माइक आता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, पहले रिकॉर्डिंग करने में ये सब टिप्स को काम यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं यूज़ करते हैं बोया माइक का, जो आप यूज़ कर सकते हो, इसका मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली क्या करना है, 800-900 रुपये का एक बोया माइक आता है, वो सारे यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो बोया माइक ही यूज़ करते हैं। आप भी बोया माइक को यूज़ करके वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इससे एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आती है, HD क्वालिटी की ऑडियो आती है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हो। आप देखिए अभी जो लॉकडाउन है इसमें डील मिल गई है, तो बहुत जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इस पर अभी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तब डिलीवरी भी आ रही है घर तक। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर इसका मिल जाता है तो आप परचेज कर लेना, क्योंकि अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है, अच्छी वीडियो बनाना चाहते हो, तो एक अच्छा माइक आपके पास होना ही चाहिए, तो आप इसको परचेज कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया। देखो कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर सिंपल कोई एप्लीकेशन से कोई भी काम नहीं बनता है, मैंने भी ट्राई करके देख रखा है, आपके पास एक अच्छा माइक होना ही चाहिए, तो आप ये माइक परचेज कर लेना बोया का, जो बेहद ही अच्छा है। इसका मैं लिंक दे रखा हूं, आप भी परचेज कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर।